प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें एक खटृत्य की वाणी दी है। इसका एक विशेष प्रयोजन है। हमारी आत्मा इस मायावी जगत में आई है जिसमें शरीयत कर्मकांड की प्रबलता है। आज मैं उस सत्य को उजागर करना चाहूँगा जो सत्यति की पृष्ठभूमि है। क्या आवश्यकता पड़ी है सत्यति की वाणी की अवतरण की? इसका एक शास्त्रीय पक्ष है। वाणी का पक्ष तो यह है कि परमधाम की आत्माओं को विरह में डुबोना है। विरह क्या है? जिस सामान्य भाषा में इसका अर्थ होता है जिसके बिना न रहा जाए। वैसे विरह शुद्ध संस्कृत का शब्द है लेकिन बोलचाल में यही अर्थ लगाते हैं। मछली का जीवन क्या है? जल। जल से उसको अलग कर देंगे, तड़प तड़प कर वो प्राण छोड़ देगी। यह संसार तो राग और द्वेष की ज्वाला में थकने वाला है। इस स्वार्थमय संसार में कोई कोई ही प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। और ऐसे संसार में कहा जाना कि राज्य के लिए तड़पिए कभी संभव नहीं है। मैं कहता हूँ हिमालय की गुफाओं में ध्यान समाधि लगा लेना सरल है। नंगे शरीर से बर्फ की चट्टानों पर चल लेना सरल है। विरक्त का भेष धारण करना सरल है। लेकिन मछली की तरह अपने आराध्य, अपने प्राणेश्वर, अपने प्राणवल्लभ के लिए तड़पना बहुत कष्टकारी है। इसलिए वाणी क्या कहती है? विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागी नार। न जाने हजारों हजारों वर्ष की समाधि लगाने वाले कितने योगी हो गए होंगे, लेकिन अपने प्रीतम के विरह में तड़पने वाले उंगलियों पर गिनने को मिलेंगे। ब्रह्मसृष्टियों को प्रेम की शिक्षा देनी है, क्योंकि यदि प्रेम की शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वे संसार के उसी मार्ग पर चल पड़ेगी जो संसार चलता आया है। और आज भी देखिए हमारा सुंदर साथ तो उसी कर्मकांड के मार्ग पर चलता है। जब मैं कहता हूँ कि सुंदर साथ जी प्रेम में ही चितवनी के मार्ग पर चलिए, तो प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि आप सेवा की पूजा का खंडन क्यों कर रहे हैं, आप इसका खंडन क्यों कर रहे हैं। मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सत्यति की बात कह रहा हूँ जो अक्षरातीत ने कही है। इस सत्यति के सातवें प्रकरण की एक चौपाई है तीसरी, उसमें एक बहुत ऊंची बात कही गई है। सने वाला जीनो संभरदा, एक निश्वासे जीव जाए। आप एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। यदि हम राज्य के प्रेम की याद करें कि राज्य हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो एक ही पल एक सांस लेने में जितना समय लगता है उसी में प्राण निकल जाएंगे, जीव नहीं रह पाएगा। 300 वर्ष से ज्यादा हो गए, क्या किसी भी सुंदर साथ ने इस चौपाई का चिंतन मनन किया है? हम पाठ रख देंगे तो एहसान जताएंगे, राजी आपका पाठ रख, हमारे 5,000 रुपये भी नुकसान हो गए, हमारी आपने इच्छा पूरी नहीं की। आप दोष किस में देखते हैं? हमेशा राजी पर दोष। आप सब सुंदर साथ अपने हृदय से पूछिए, क्या सचमुच आप राजी से प्रेम करते हैं? मैं कहूंगा आप कह देंगे कि करते हैं तभी तो यहाँ आए हैं। नहीं, आपका पहला प्रेम पति के लिए, पहला प्रेम पत्नी के लिए, पहला प्रेम बच्चों के लिए, पहला प्रेम अपने आभूषणों के लिए, धन संपदा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए है। आप अपनी आत्मा से राज्य से प्रेम नहीं करते, और राज्य आपके लिए। आप तो अपने घरों में बैठे हुए आराम कर रहे थे। आपका मतलब 300 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं। मिहराज के तन में अक्षरातीत बैठते हैं, भैरव सेठ माया की निद्रा में सो रहे हैं, छत्रसाल जी के अंदर शकुंडल की आत्मा अलग सो रही है, चकुमार की आत्मा अलग चल सो रही है, आवासी बंदर में, मस्कत बंदर में सभी सोए पड़े हैं, पूरे देश में सभी आत्माएं सो रही है। वह तन रह नहीं सकता शांति से, कभी ऊंट गाड़ी पर चढ़ता है, कभी पैदल चलता है, मंदसौर में 8 महीने तक भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करता है। यह उसका प्रेम है। तभी तो महामती जी के मुख से ईश्वर मुखरित होता है,
मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जानी बात और कोई ना मिला मैं यहाँ सुखरू बिकला। आप तो अपनी पीड़ा रो देते हैं कि राजी हम मेहर सागर का भी पाठ करते हैं, नारियल भी चढ़ा देते हैं। आपने हमारे एक पोता की इच्छा थी, आपने पोता नहीं दिया। राजी का प्रेम तो आप नारियल से खरीदना चाहते हैं ना, 5,000 रुपये में खरीद लेना चाहते हैं, वह आपके लिए। कभी आपने अक्षरातीत की गरिमा को समझा है? जिसके सत्संग से आपके 14 लोकों जैसी असंख्य ब्रह्मांड पल में बनते हैं और लय होते हैं, उस अक्षर का प्राणेश्वर अक्षरातीत, चाहे देवचंद जी के तन में बैठे, चाहे मिहराज के तन में बैठे, जो कुछ एक एक पल गुजारता है वो केवल परम धाम की आत्माओं के लिए गुजारता है। लेकिन उसकी आत्माएं उसकी वाणी लेकर कुछ पल याद कर लेती है तो एहसान जताने लगती है। तभी तो कहा यह सटुती की वाणी है। मैं अभी आज थोड़ा सा ही समय है, मैं जल्दी जल्दी विषय को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है कि सटुती की वाणी की आवश्यकता क्या है। देखिए शास्त्रीय पक्ष मैं आपको बताता हूं। सभी ग्रंथों का सिद्धांत क्या है? छायावाद के 4 महाकवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत अच्छी रचना है जो मुझे बहुत पसंद आती थी बचपन में, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे। जानते हैं उनके जीवन की कहानी क्या है? आज यदि हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहें तो कितना कष्टकारी है, लेकिन एक समय था भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरे देश में विख्यात हो चुके थे, छायावाद के कवि, अस्वस्थ चल रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रयाग में हैं, छोटी सी कुटिया है, मस्त फकीर जैसा जीवन है। कभी उनके पास खाने को भी नहीं रहता, कभी कपड़े नहीं रहते, जो कुछ होता है बांट देते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद चलकर जाते हैं, सेवक एक होता है, पर्ची भिजवाते हैं कि प्रधानमंत्री दर्शन करना चाहते हैं। अंदर बैठे हुए महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि कह दो प्रधानमंत्री से कि महाकवि अभी विश्राम कर रहे हैं, नहीं मिल सकते। प्रधानमंत्री को अपनी कुटिया के बाहर से लौटा दिया। कैसा मस्त फकीर रहा होगा, यहां हमारे प्रधानमंत्री आ जाए तो हम फूलों से ला देंगे। लेकिन उस व्यक्ति का स्वाभिमान देखिए जिसके पास भोजन के भी पैसे नहीं है, एक साल भी नहीं है, जो आता है लुटा दे रहा है। और किसका कवि है? छायावादी कवि। मैं तो उस कवि का व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, अहंकार से नहीं लौटाया, क्योंकि वो अपनी मस्ती में खोया। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री में और सड़क के किनारे सोने वाले गरीब में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। छायावाद का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति चलता है तो उसके साथ छाया भी चलती है। ब्रह्म के साथ 2 चीजें हैं, एक तो प्रकृति है और एक जीव है। जीव किससे मिलना चाहता है? परमात्मा से मिलना चाहता है। उसकी राह में प्रकृति बाधक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति तो परीक्षा की स्थली है। मान लीजिए जीव का शुद्ध स्वरूप तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, सब कुछ है। प्रकृति उसको नेत्र प्रदान करती है, हाथ पैर मानव तन देती है। अब देखिए कैसी विचित्र स्थिति है कि ब्रह्म क्या है? सत्चित आनंद। और प्रकृति क्या है? उसके उल्टा गुण वाली, सत्व रजतम कहिए, असत जड़ और दुख कहिए। वह आनंद का सागर है, प्रकृति में दुख ही दुख दिखाई दे। कहां सत्व रजतम का अंधकार? प्रकृति के अंधकार को ही तो वेद ने कहा तम तमस, और इसलिए कहा कि परमात्मा कहां मिलेगा? तमस के परे, तमसा परस्ता था वो। लेकिन यही तमस उसकी आत्माओं के लिए एक क्रीड़ा स्थली तैयार करता है। रज न हो तो सृष्टि में कोई क्रिया नहीं हो सकती, तमस तम न हो शक्ति नहीं रहेगी, और सत न हो तो ज्ञान नहीं रहेगा, फिर परमात्मा की सारी सृष्टि व्यर्थ हो जाएगी। एक जड़ प्रकृति,
सर्वस्व समर्पित हो रही है, किसके लिए? अपने आराध्य के लिए। वह प्रकृति परमात्मा की शक्ति ग्रहण करती है। मायाम तु प्रकृति विद माइनम तु महेश्वरम। माया किसको कहते हैं? हम पानी पी पी करके कोसते हैं माया बहुत बुरी है। मैं भी कहता हूं माया बहुत बुरी है। कबीर जी ने कहा है, माया महा ठगनी अन जाने। कवियों ने संतों ने माया को कट शब्दों से संबोधित किया है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके हाथ पैर जितने हैं, हमारा शरीर सब कुछ तो माया का है। यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो सुसुप्ति में जीव क्या करेगा? नारायण का ही प्रकटन नहीं होगा तो जीवों का प्रकटन कहाँ से होगा? कौन परमात्मा की महिमा गाएगा? परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ कौन करेगा? प्रकृति तो अपने स्वामी के लिए सब कुछ निछावर कर रही है। उसी प्रकृति ने सागरों का निर्माण किया है उसको रिझाने के लिए। ये बात आपको किस तरह से मैं समझाऊं? आपको मैं परमधाम की तरफ ले चलता हूं। परमधाम में क्या है? राज्य का दिल ही तो श्यामा जी है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान। वहां की धरती, वहां का आकाश, वहां की हवा, सब कुछ क्या है? आत्मा का स्वरूप है। आत्मा क्या है? मेरे शरीर से जीव या आत्मा कहीं निकल जाए तो आप क्या करेंगे? दो चार दिन रोएंगे, फिर गड्ढा खोद कर दफना देंगे। ये आत्मा का मत। अक्षरातीत का हृदय ही 25 पक्षों के रूप में दिख रहा है। अक्षरातीत का हृदय ही श्यामा जी के रूप में दिख रहा है। अक्षरातीत का हृदय ही सखियों के रूप में दिख रहा है। काल माया के ब्रह्मांड में क्या है? काल माया के ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है? आदि नारायण। माया तुम प्रकृति विद माइनम तुम महेश्वरम। जो ये सत्व रज तम की माया है, जो अक्षर के संकल्प से प्रकट हुई है। निज लीला ब्रह्म बाल चरित, कल आपने सुना था, जाके लीला मूल प्रकृति मैं उसकी तरफ नहीं ले चलूंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि प्रकृति को सधर्म नहीं होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। छायावादी कपियों का लक्ष्य क्या है? प्रकृति अर्धांगिनी के रूप में अपने आराध्य को रिझा रही है। सागर की लहरें बहुत कुछ कह रही है, सनसनाती हवा बहुत कुछ कहती है, शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके बहुत कुछ कह रही है, वृक्षों से लिपटी हुई लता बहुत कुछ कह रही है। संसार में कुरूपता भी है तो सौंदर्य भी है, संसार में मृत्यु भी है तो जन्म भी है, संसार में विकार भी है तो विकारों से परे होने के लिए जूझते हुए योगियों का एक बहुत बड़ा दल भी है। एक नास्तिक प्रकृति के सुखों में जब आसक्त होता है तो कहता है कि परमात्मा नहीं। एक आस्तिक जब गहन चिंतन में डूबता है तो देखता है कि एक अणु अणु में जो क्रिया हो रही है, एक एटम से में क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है? नाभि के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है? कौन शक्ति दे रहा है? ये अनंत परमाणु तेजी से घूम रहे हैं, इनकी संरचना कौन दे रहा है? कंपन कौन दे रहा है? यदि ये बंद हो जाए तो सृष्टि का अस्तित्व एक पल के लिए नहीं रहेगा। जैसे परमात्माओं को देखने के लिए माया का खेल बनाया गया है, आखिर सोचिए ये माया किसके आदेश पर कार्य कर रही है? दोस्तों हमारा है, अज्ञान हमारे अंदर प्रवेश किया हुआ है, हम दोष देते हैं माया को। सूरदास के मन में पाप आता है, संन्यास के वस्त्र धारण करने के बाद भी रमणीय स्त्री को देखकर मन में विकार आता है तो आंखें फोड़ लेते हैं। कदाचित उनकी सगी बहन उससे ज्यादा सुंदर होती तो क्या विकार आता? आंखों का दोष नहीं है, दोष है भावना का। इसलिए दोष माया को ना दीजिए, दोष दीजिए अज्ञानता को, दोष दीजिए। प्रकृति ने तो आपको साधन प्रदान किए हैं। यदि आपके हाथ पैर नहीं रहेंगे तो ध्यान कहां से करेंगे? आपकी आंखें नहीं रहेंगी, आपका चित्त मन बुद्धि अहंकार सब कुछ माया से बनाया है। ये नहीं रहेगा तो आप पानी को सुनेंगे कैसे? उनकी पीड़ा पूछिए, जिनके कान कमजोर हैं मेरी चर्चा उन तक नहीं पहुंच पा रही होगी। वे यंत्र लगाते हैं तो सुनाई पड़ता है। जिनकी आंखों की रोशनी कम है वे बेचारे वाणी नहीं पढ़ सकते।
प्रकृति ही तो हमें नेत्र शक्ति दे रही है, प्रकृति ही तो हमें सुनने की शक्ति दे रही है, और वो शक्ति कहाँ से ले रही है? परमात्मा से। प्रकृति किसकी सेवा में लगी है? एक तरफ अपने स्वामी की सेवा कर रही है, दूसरी तरफ उसके स्वामी से जो प्रेम कर रहे हैं उनकी भी सेवा कर रही है। कभी आपने सोचा है इस बात को? इसलिए छायावादी कवियों ने कहा कि जहां प्रकृति है वहां परमात्मा है। छाया धूप के साथ, जहां धूप है तो वहां छाया अवश्य होगी, बिंब के साथ प्रतिबिंब अवश्य रहेगा। इसलिए जिन्होंने प्रकृति के कण कण में उस परमात्मा की सत्ता का आभास किया, मैं उपनिषदों की तरफ ले चलता हूं, यो देवो अग्नौ यो अप्स यो भुवनम अविवेश यो औषधीस वनस्पतिस तस्मै देवाय नमो नमः। कौन कह रहा है? ऋषि कह रहा है, जो परमात्मा अग्नि में है, जो जल में है, जो पृथ्वी में है, जो औषधियों में है, जो वनस्पतियों में जिसकी सत्ता क्रीड़ा कर रही है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। पुनः वह ऋषि आगे बढ़ता है, आगे क्या कहता है? एको देव सर्वभूतेषु गुणः, एक ही परमात्मा सभी प्राणियों में छिपा हुआ। एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, उसकी सत्ता से वो व्यापक है। आप सुनते हैं ना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, रामचरितमानस की छुपाई को सब लोग आते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होइ चिम जाना। प्रेम जिसके पास होता है वो सर्वत्र व्यापक परमात्मा प्रकट हो जाता है, ये दुनिया वाले कहते हैं। उनको प्रकृति के कणकण में उसकी सत्ता दिखाई दे रही है। क्या वाणी, क्या उपनिषद की वाणी कह रही है? एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, भूतांतरात्मा सभी प्राणियों की आत्मा का भी आत्मा है। कर्माध्यक्ष, कर्मों का अध्यक्ष है, हर कर्म को देखने वाला है। सर्वभूत अधिवास, सभी प्राणियों का आश्रय स्थल है। साक्षी चेता केवलो निर्गुण, उसके साक्षी रूप में देख रहा है कौन क्या कर रहा है, लेकिन वह शब्द स्पर्श रूप रस गंध से परे है। ब्रह्म की ऐसी व्याख्या उपनिषद कर रहे हैं। सभी प्राणियों का वास स्थल कौन है? परमात्मा। कर्मों का अध्यक्ष कौन है? परमात्मा। सबके हृदय मंदिर की गुहा में विराजमान है कौन? परमात्मा। और वह सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान परमात्मा सारी सृष्टि के एक एक अणु परमाणु में कंपन कर रहा है, लेकिन सृष्टि कहती है कि हम तुझे नहीं मानते, क्योंकि सृष्टि मायावी विषयों की तरफ भाग रही है। उस लीला को जो देखता है, जो मायावी विषयों से आकृष्ट हो जाता है, तो माया के बंधनों में फंस जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को प्रशासनिक पद पर बैठाना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको दिन रात पढ़ाना पड़ेगा, आईएएस पास कराना पड़ेगा, तो वो बन सकता है। जैसे हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण जी हैं, दिन के 2 बजे से पढ़ना प्रारंभ करते थे तो रात्रि के 2 बजे 12 घंटे लगातार पढ़ते थे। अब उनको देखकर हर बच्चा सोचे कि मैं भी रेडियो जर्नलिस्ट हो जाऊं। हो जाओगे, लेकिन उनकी तरफ पढ़ो तो। प्रकृति यही कहती है कि यदि तुम्हें परमात्मा को पाना है तो ये जो तमस का घेरा मैंने बनाया है इसको पार कर लो, और उसको पार करने के लिए मैं इस समय सब कुछ दे रही हूँ, तुम्हें हाथ पैर दे रही हूँ। अब देखिए, कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो, जब शरीर छोड़ देता है तो उसका जीव ब्रह्मांड में घूमता रहेगा। कारण शरीर तो नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि कारण शरीर सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट होता है और प्रलय में समाप्त होता है। कारण शरीर तो बना रहेगा, बहुत साधना करेगा तो भी सूक्ष्म शरीर बना रहेगा। सूक्ष्म शरीर को तो छोड़ सकता है, कारण शरीर को नहीं छोड़ सकता। स्थूल शरीर नहीं है तो उसका कारण शरीर सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, कुछ नहीं कर सकता, न बोल सकता है, न परमात्मा का नाम ले सकता है, कुछ नहीं कर सकता। आप सोचिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए प्रकृति ने आपको यह अनमोल मानव तन दिया है, उसी प्रकृति को आप कट शब्द से संबोधित क्यों कर रहे हैं? उसकी सेवा को समझिए। प्रकृति अपने आराध्य को रिझा रही है, चुनौती प्रस्तुत कर रही है।
मैं हर ऋतु मेरी है, छह ऋतुएं हैं। षटऋतु नाम क्यों पड़ा? मैंने आपको चर्चा में कई बार बताता रहा हूं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा है। पद्मावत ग्रंथ में कई हजार चौपाइयां हैं, मैंने गिना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं 12-15 हजार से कम नहीं होगी। अपने पुस्तकालय में है। जब मैंने मंच पर चर्चा कर दी, दो भाग थे, एक भाग किसी ने उड़ा लिया, एक भाग पड़ा है। आप सोचिए, सूफियों की जो भक्ति होती है आशिक और मासूक की होती है। राजा रत्न सिंह पद्मिनी को पाने के लिए जाते हैं, दोनों में विरह की पीड़ा क्या होती है यह दर्शाया गया है। और ये अलंकारिक वर्णन है, इसके माध्यम से आत्मा और परमात्मा के प्रेम को दर्शाया गया है। छह ऋतुओं में जो पहली पत्नी होती है रत्न सिंह की, वह उनके विरह में कैसे तड़पती है, रत्न सिंह पद्मिनी के विरह में कैसे तड़पते हैं, और पद्मिनी उनके विरह में कैसे तड़पती है, और माया और दज्जाल रूप कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसको अलंकारिक रूप वर्णन देकर पूरा पद्मावत ग्रंथ रचा गया है। आपके सामने, आपके और प्रीतम के बीच में बंधक बंधन बनाने वाला कौन है? कौन है बाधा? सबसे बड़ी वो है अज्ञानता की बाधा। आप शरीर को देखने लगे, स्वयं को नहीं देख रहे हैं। आपको धर्म ग्रंथों का ज्ञान क्यों दिया गया कि आप अपने को जानिए? आप शरीर नहीं है, शरीर तो दिया गया है आपको परमात्मा से प्रेम करने के लिए। इन चारों कवियों ने अपने साहित्य में इस बात को चित्रित किया कि ये धरती, आकाश, सागर, पर्वत, पेड़ पौधे जो कुछ दिख रहे हैं, सब में परमात्मा की सत्ता क्रीड़ा कर रही है, जैसे ब्रह्म की छाया के समान अभिन्न होकर। जैसे अभी तक अभी समाप्त हुई, हम क्या कहते हैं, श्री जी के साथ छाया की तरह लालदास जी रहते थे। श्री जी के साथ जैसे पल पल छाया की तरह लालदास जी रहते हैं, वैसे ही इस समस्त सृष्टि में परमात्मा की सत्ता क्रीड़ा कर रही है प्रकृति के कण कण में। यह बात जिस सत्य को दर्शाती है उसी को छायावादी कवियों ने प्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य था कि प्रकृति अपने आराध्य को रिझाती है। अब जागने के ब्रह्मांड में मिहिराज के साथ ऐसी घटना घटित होती है कि उनका आराध्य जिस तन में बैठा है, आज से कुछ वर्षों पहले, वैसे तो खटृत की वाणी हफ्से में उतरती है सब सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए, लेकिन उनका जो विरह होता है, 1703 में अरब पधारे होते हैं, चम्मच 1708 में आते हैं, 5 वर्ष की जुताएगी, यह है राज्य उस तन को विरह की भट्टी में तपाना चाह रहे हैं, क्योंकि विरह में तड़पे बिना मिहिराज को श्रीराज की शोभा नहीं मिलने वाली है। हमारे बीच में श्याम अधिकारी जी हैं, पूछिए मिलिट्री की ट्रेनिंग कैसी होती है? कहा जाए कि गड्ढा खोदो और कूदो, फिर कहेंगे कि फिर भरो। आप तर्क करने वाला कहेंगे कैसा पागल कमांडर है जो कह रहा है कि गड्ढा खोदो फिर भरो। इसमें गहरा रस छिपा हुआ है। मिहिराज को यदि भट्टी में नहीं तपाया जाएगा तो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत उस तन को अक्षरातीत की शोभा कैसे दे सकते हैं? इसलिए परीक्षा की घड़ी प्रस्तुत की जाती है। आप बाल भाई को भी दोष दे देते हैं, बेचारी बाल भाई का क्या दोष है? बाल भाई को तो आगे कर दिया कि बाल भाई इस मिहिराज को संघर्षों की भट्टी में तपाना है, तो ऐसी भूमिका अदा कर कि मिहिराज के हृदय को ठेस लगे। एक घटना है बैजू बावरा की। आप जानते हैं तानसेन अकबर का गायक था, अकबर के दरबार का। उसको अहंकार बहुत था, हरदास जी का शिष्य है। उसको अहंकार था कि जो मुझे हरा देगा, जो मेरे से प्रतिद्वंदिता में हार जाएगा, मैं इसको फांसी पर चढ़वा दूंगा, चढ़ा देता था। जो तानसेन का वास्तविक नाम, वो उनको तन्ना कहा जाता था, वो सबकी नकल उतार लेते थे, हरदास जी। कुछ लोगों का विचार है कि वो भी मुस्लिम थे, कृष्ण की भक्ति में रम गए थे। हरदास
जी तो वन में रहते थे, लेकिन जो बैजू बावरा के पिता साधु भेष में रहते थे, वे भजन गाते हुए जा रहे थे और तानसेन के क्षेत्र में जिसने भजन गा दिया, कुछ संगीत गा दिया, उसको मुकाबला करना पड़ता था। यदि तानसेन से हार गया तो प्राणों की बलि देनी पड़ती थी। वह मुकाबला उसने तानसेन ने सबको गिरफ्तार कराया, कहा कि इस क्षेत्र में तुमने गाया क्यों, मेरे से मुकाबला करना पड़ेगा। बेचारे बैजू बावरे के पिता कोई बड़े कलाकार तो थे नहीं, साधारण से कलाकार थे। उन्होंने कहा कि अरे भाई, हम तो अपने भगवान की भक्ति का गीत गा रहे थे, हमें मालूम ही नहीं था कि ये आपका क्षेत्र है और ये ऐसा नियम है। कहा कि नहीं, अब तो तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो फांसी झेलनी पड़ेगी। वही हुआ, बेचारे को फांसी दे दी जाती है। उस समय बैजू, उनका नाम था बैजनाथ, ब्राह्मण थे, लेकिन आपको बताएं अकबर के दरबार में रहने के कारण उनको तानसेन नाम दिया गया, मुस्लिम लड़की से विवाह करा दिया गया। अब घटना आगे बढ़ती है। बैजू उस समय 12 साल का बच्चा है, उसको बहुत चोट लगती है कि छोटी अवस्था में पिता का साया सिर से उठ जाता है। वह भटकता भटकता हरदास जी के पास जाता है। हरदास जी संगीत विद्या में प्रवीण कर देते हैं और वह प्रण करता है कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा, तानसेन को मैं जाकर हराऊंगा। बैजू की एक प्रेमिका है, वह सोचती है कि तानसेन जैसे विश्व प्रसिद्ध गायक के सामने तो मेरा प्रेमी हार जाएगा, इसलिए इसको विरह की पीड़ा देनी है। और उसने सोचा विरह तभी आएगा जब मैं मेरे लिए तड़पेगा। उसने कोबरा से अपना हाथ कटवा लिया, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मेरा बैजू हरना नहीं चाहिए। बालबाई एक कलंकनी सुंदर साध के रूप में आदरित की जाती है, लेकिन यह सोचिए बालबाई ने वो भूमिका नहीं अदा की होती तो मीराज सिराज नहीं बन सकते थे। हाँ, बालबाई में अज्ञानता है, लेकिन उसको निर्देशित कौन कर रहा है मूल स्वरूप। दो वर्ष नौतनपुरी में रहते हैं, श्री देवचंद जी से मिला अपने, दो वर्ष कलाजी के रहते हैं तो भी विरह नहीं। हर पल मीराज की आत्मा तड़प रही है कि कब सतगुरु महाराज बुलाएं। हृदय कह रहा है इस तन में राजीव बैठे हैं, अरे जाकर मिल तो आओ। लेकिन एक स्वाभिमान है, राजीव बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रणाम स्वीकार क्यों नहीं किया। प्रेम कहता है प्रेम का अधिकार किसको होगा, जो स्वयं को मिटा दे। जो खड़ा रहता है वो प्रेम का अधिकारी नहीं होता। मीराज का जी अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, पहुंचाना है। जानते हैं राज्य कब मिलते हैं, जाको टूटा हुए अंतस कर। माला फेरने से नहीं मिल सकते, पूजा पाठ से नहीं मिल सकते, ऐसा तो दुनिया करोड़ों वर्षों से करती आ रही है। आप एक नारियल चढ़ा देते हैं, कुछ पाठ कर लेते हैं, सोचते हैं कि राजी सामने खड़े हो जाए, आंखें बंद कर लेते हैं एक घंटा, सोचते रहते हैं संसार के विषय में, कहते हैं कि राजी तो आते ही नहीं, चितवनी ही गलत है, वाणी ही गलत है, दिल तो आपने किसी और को दे रखा है। क्या सचमुच आप प्रेम से पुकारते हैं? राजी क्या कहते हैं, मैं लिखा है तुमको एक बार करूं मैं याद, 10 बार जी करूं कर तुमको याद, एक बार पुकारो मैं तुम्हारे आगे 10 बार जी करने के लिए तैयार हूं। और वो कहीं दूर नहीं बैठा है कि उसको बैकुंठ भगवान के नाथ को तो गज को बचाने के लिए गरुण को भूल गए, उनको तो सवारी की जरूरत है। आपका अचरतीत आपके प्राण की नली से भी निकट आए, कहीं आना जाना नहीं पड़ता। ये मत सोचिए कि राजी कहीं कैद खाने में कैद है, मंदिर में कैद नहीं है, हक नजीक शहर से पूरी वाणी का सारी है। ऐसी परम धाम की आत्माओं को विरह और प्रेम की शिक्षा देनी है। इसलिए स्थितियां ऐसी बनाई गई कि मिहराज के हृदय दुखी हो जाए। और तभी इस प्रकरण में पीड़ा में क्या कहा जाता है,
आपो पो जारे नाखिए आंख मीचे त्यारे तमने आवे शर्म। जिसको शर्म नहीं आती है उसको क्या कहते हैं? बेशर्म। यहां बेशर्म किसको कहा गया है? निर्लज किसको कहा गया है? राजी को। कहने वाला कौन है? इंद्रावती। किस अवस्था में कह रही है? जब आप लोग दस दस बार मत्था ही टेकते रहेंगे तो आपके मुख से निकलेगा ही नहीं निर्लज। निर्लज कौन? कहने का अधिकार कौन रख सकता है? प्रेम की भाषा क्या होती है? आप पढ़ना है पुराण संहिता पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्रेम की भाषा कौन है। लेकिन उस प्रेम की भाषा को समझने के लिए स्वयं को समाप्त करना पड़ता है। हम स्वयं को बचाकर लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रेम गली अति सागरी तामे दून समय। ये सटुति की भूमिका है। इंद्रावती को छह ऋतुओं में विरह की पीड़ा सता रही है। ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति ने अलग श्रृंगार किया है, वर्षा में अलग श्रृंगार किया है, शरद ऋतु में अलग श्रृंगार किया है। छह ऋतु क्या है? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, बसंत और शिशिर। तीन ऋतुओं का जो मेल है, संधि है, जैसे ग्रीष्म ऋतु जार आ रही है, शरद ऋतु जा रही है, तो दोनों की संधि में क्या होगा? बसंत ऋतु। इसी तरह से छह ऋतुएं हैं, हर ऋतु दो दो माह की होती है। हर ऋतु में प्रकृति अपना श्रृंगार कर उस अपने आराध्य को रिझाने का प्रयास कर रही है, जिसकी संकल्प शक्ति से उसमें क्षोभ हुआ था, उसके परमाणुओं में कंपन हुआ था और अनंत सृष्टि दिखाई देने लगी। आप देखिए, ये दहकता हुआ सूरज, शीतल चांदनी, बिखेरता हुआ चंद्रमा, अनंत प्रकार के फूलों का सौंदर्य, आपने कभी सोचा है? पशु पक्षियों के शरीर का सौंदर्य, इन सबके माध्यम से प्रकृति दर्शा रही है कि मेरे सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान आराध्य, मैं तो एक शून्य स्वरूपा हूं, मेरे अंदर अंधकार ही अंधकार था, आपने कृपा से मुझ कारण प्रकृति के अंदर ऐसी लीला की कि अनंत सागर दिखाई देने लगे, लहराते हुए सागरों का सौंदर्य, उसमें क्रीड़ा करने वाले असंख्य प्रकार के प्राणी, दहकता हुआ सूरज, टिमटिमाते हुए तारे, गैलेक्सियों के समूह, अनंत प्राणियों की रचना, उनका शारीरिक सौंदर्य, आपने इस सृष्टि में कितना आकर्षण भर दिया है और सबके माध्यम से प्रकृति सर्वशक्तिमान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही है। एक तरफ जड़ प्रकृति तो इस तरह से रिझा रही है और अक्षरातीत की हिलादनी कहलाने वाली इंद्रावती आत्मा रुठ करके बैठी है। आप बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा। यही गुनाह हम सब पर लग रहा है। मासोक बैठे इत जाहिर पर दिल ने लगे इत, मासोक मुक्ति कन को आए हैं नैना बिना दर्शन। जिस दिन हम सुंदर सात को ये याद आ जाएगा, अभी स्नेह वाला जीनो संभरता, एक निश्वास से जीव चार, एक सांस लेने में जितना समय लग जाता है, राज्य के प्रेम की याद आए तो ये जीव शरीर छोड़ देगा। लेकिन हमें राज्य के प्रेम की याद नहीं आती, हमें मालूम ही नहीं है कि साथ करना, राज्य को रिझाना क्या होता है। अपनी आत्मा के हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसा नहीं पाते। हमको विरह की शिक्षा देने के लिए ये सटुति की वाणी है। खेत के साथ कहना पड़ता है कि मेरे पास समय नहीं रह गया है, अब मेरी व्यवस्था है, मंच मंत्री का आदेश मैं ठुकरा नहीं सकता, इसलिए मैं अपने चर्चा को मैं विराम देता हूँ। आगे जब भी समय होगा इसकी व्याख्या की जाएगी, रात को कलश का प्रसंग रहेगा। लेकिन यह सोचिए, वाणी का एक एक शब्द बहुत गहन आशय को लिए हुए है। प्रकृति साधारमणी बनने का स्वप्न देख रही है, नारायण की तो है ही, वो अक्षरातीत को भी तो रिझा रही है, क्योंकि अक्षरातीत के चरण कमल आए हैं। और चुनौती दी जा रही है कि महामती सहित सभी आत्माओं को कि आपने अपने सामने संसार को क्यों खड़ा किया है। मालूम है कि
देवचंद जी के अंदर धाम देने बैठे हैं तो इसी प्रकरण में एक चौपाई आती है, आपो उल्खावी करी आप रहिया अंतरिक, पर्दा पाछा गिधा पछी न जानो जीव राख्यो के। आपने जब मेरे से पर्दा कर लिया था, मेरे प्रणाम स्वीकार नहीं किया था, राजी मेरे से भी पूछिए मैंने किस तरह से अपने तन को रखा है। या प्रेम की भाषा है सटती सिंधी की वाणी, प्रकाश में आपको विरह मिला, 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 आपको विरह मिला। महाराज सुंदर साहब कब तक नर्सरी की कक्षा में बैठा रहेगा, कब अपनी आत्मा के चक्षुओं को खोलेगा और अपने प्राणेश्वर को जी भर करके देखेगा। मेरा समय पूरा होता है, राज्य सब सुंदर साथ पर कृपा करें कि वे वाणी की राह पकड़ें और अपने हृदय में जो सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान उनका प्राणेश्वर बैठा है उसको अपने हृदय मंदिर में बसाएं।